Hello guys, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. कल वीकली एक्सपायरी का दिन है. बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे. उससे पहले आज मॉर्निंग में सडनली आरबीआई के गवर्नर जो है शशिकांता दास, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कुछ अनाउंसमेंट की, कई पैकेजेस को ऐलान किया. उसमें से एक 50,000 करोड़ का हेल्थ सेक्टर के लिए. उसके बाद कुछ फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स एक ज़बरदस्त तेज़ी उनमें देखने को मिली. तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर फोकस अपना बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में भी ये सेक्टर जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट दिखा सकता है. तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं. ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, कुछ इस तरह से आज दिखाई दे रहा था. कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो आज इनसाइड बार ट्रेडिंग हमें देखने को मिला. यानी क्या, कल हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 14,652 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 14,458. आज एक बड़ा इवेंट था, किसी को इसका ख्याल नहीं था. अचानक से आरबीआई के गवर्नर आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, कुछ अनाउंसमेंट हुआ, तो मार्केट थोड़ा कंफ्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहा था. इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ, यानी प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, ये रेंज के बीच में ही आज पूरा दिन निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता रहा. एक स्लगिश मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला. तो ना ही ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ या फिर ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग आज यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता. तो इनसाइड बार फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला है. अभी कल एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी का दिन. कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन सबसे पहले एक बार डेली चार्ट को देख लेते. जैसे कि अगर हमें आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो 900 का ये जंप यहाँ पर देखने को मिला है, इसका अगर रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करें तो लास्ट 2 दिन से ये 61.8% के लेवल के आसपास ये सपोर्ट ढूंढ रहा है, यानी ऑलमोस्ट 14,500 के आसपास. आज का ये जो कैंडल बना, ये प्रीवियस डे के हाई और लो के बीच में ये ट्रेड करते रहा है. और एग्जैक्ट लोज भी हुआ है, देखिए 14,618 जो कि 20 EMA के पास है, और क्लोज हुआ है 14,617 के पास. तो 20 EMA एज ए हर्डल यहाँ पर हो सकता है. इस रेजिस्टेंस को अगर पार करता है और प्रीवियस डे के हाई को कंफर्टेबली ये अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ से फिर से अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है. अदरवाइज अभी कंफ्यूजिंग पार्ट है, यहाँ पर इनडिसिसिव सिचुएशन बनी हुई है. तो अभी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल के लिए इस रेड कैंडल का हाई और लो हम पकड़ के चल सकते हैं. तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो है. ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है, जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया है वो अच्छी तरह से जानते होंगे, या नए हैं करना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर इसके डिटेल्स यहाँ पर दिए गए. तो ये अगर आप थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जान लेंगे तो आपको भी ये लैंग्वेज धीरे धीरे समझ में आएगी. चलते 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं. अभी देखें तो यहाँ पर जैसे कि ये 3 हर्डल्स थे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के, यहाँ पर ही ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है. अगर कल ऊपर की तरफ ये गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है इस लेवल के पास, या फिर क्लियरली देखें तो इस लेवल के पास. एक दिन पहले ज़बरदस्त यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, कंटिन्यूस 4 घंटे यहाँ पर ये हर्डल फेस कर रहा था और फिर एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिली. तो कल अगर 14,685 को कम्प्लीटली अगर ये ब्रेक करता है, सस्टेन करता है इसके ऊपर, तो ही इंट्राडे के लिए यहाँ पर बाय पोजीशन बनाए और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,704. ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,724. ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा. और ब्रेकडाउन लेवल आज का जो लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है, ये आप देख सकते हैं आर्ली चार्ट में क्लियरली इस लेवल के पास. देखिए इस लेवल के नीचे ये क्लोज नहीं हो रहा है 1 घंटे के चार्ट में. तो 14,564 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल साबित हो सकता है कल के लिए, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,554. ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,528. ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा. तो ये निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है कल के लिए. अभी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं. बैंक निफ्टी में एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं. इसे मैं डेली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ बैंक निफ्टी का.
ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर 100 EMA में एज अ सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जो ग्रे लाइन है ये 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अभी ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है, ऊपर जाते वक्त ये इन जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म मूविंग एवरेजेस है उनके पास ये हो सकता है हर्डल फेस करे। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो इनसाइड बार ट्रेडिंग जैसा ही फॉर्मेशन है, प्रीवियस कैंडल का हाई या फिर लो ब्रेक नहीं किया। आज इतना बड़ा इवेंट होके गया लेकिन प्रीवियस डे के हाई या लो को इसने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो इन मूविंग एवरेजेस के बाहर आने दीजिए बैंक निफ्टी इंडेक्स को, तो ही हमें यहाँ पर ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल सकता है। चलते हैं अभी 60 मिनट की चार्ट में। जैसे यहाँ पर निफ्टी में हमने आइडेंटिफाई किया था स्विंग हाई के आसपास ब्रेकआउट लेवल, तो ये 32,968 ये हो सकता है हमारा कल के लिए ब्रेकआउट लेवल। डबल बॉटम जैसा यहाँ पर पैटर्न दिखा है, ये फर्स्ट बॉटम ये सेकेंड बॉटम, अभी नेक लाइन बनेगा 32,968 के आसपास, तो इस लेवल को कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए, तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 33,078। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 33,178, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और ब्रेकडाउन लेवल होगा आज का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल यानी 32,495, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा और फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 32,416, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 32,321, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है बैंक निफ्टी निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।